ये हम आ गए हैं एक मॉल में, ओमान एवेन्यूज मॉल, और एक मॉल और है मॉल ऑफ ओमान। ये दोनों मस्कट के सबसे बड़े मॉल्स में से एक हैं। और यहाँ पे आए हम लुलू हाइपर मार्केट। ये जो लुलू हाइपर मार्केट है ना, ये भाई इंडियन बंदे ने खोली है, साउथ इंडियन है बंदा, और मतलब वो अब अरबपति बन चुका है। ठीक है, यहाँ है ये दुबई में, कुवैत में, पूरे गल्फ में खोल दिए लुलू हाइपर मार्केट। और तनिष्का बता रही थी कि ये लुलू हाइपर मार्केट जो है ना, और जो सुपर मार्केट्स हैं जैसे केयरफोर वगैरह हैं, उनसे थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप सस्ती करोगे तो लोग प्रेफर करेंगे ही, पर अगर मतलब घर के आसपास होगे तो लोग किसी और से भी खरीद लेते होंगे, पर जब ज़्यादा बड़ी शॉपिंग करनी होती थी तो लोग यहीं पर आते होंगे। देखते हैं क्या प्राइसेस वगैरह हैं यहाँ पे। तो भाई एक जो ओमानी रियल है ना, वो है 213 रुपए के बराबर आज की तारीख में। तो जैसे यहाँ पे वेजिटेबल समोसा ही लिखा है 0.105, मतलब ये लगभग होगा 20-22 रुपए का। और यहाँ पे मतलब बनी बनाई सब्जी मिल जाएगी, आप इसको पैक करा के ले सकते हो। पर केजी के हिसाब से है, पनीर मखनी 1 किलो कितने 900 रुपए के करीब हो, नहीं 600 रुपए के करीब हो गई है, 3 ओमानी रियाल मान लो इसको। यहाँ देखो पिज्ज़ा मिल रहा है पूरे का पूरा, लार्ज सॉसेज पिज्ज़ा 1.8, मतलब लगभग 400 रुपए मान लो आप इसको। ये छोटे वाला 1.3। ये देखो यहाँ पे चॉकलेट बार, ये 0.365, मतलब दो हैं इसके अंदर वैसे, 42 ग्राम्स का 0.365। इसको 213 से मल्टीप्लाई कर लेना तो लगभग 70 रुपये हो गए। ये 7 अप का प्राइस है, तो पेप्सी 7 अप डू सारे एक ही है, 6 ऐसे कैन वाली 1.3, मतलब 280 रुपये की 6, तो पता नहीं कितने की हिसाब। अबे ये कितनी छोटी है भाई, ये 150 ml की कैन 30 कैन 5.4 की, मतलब 30 कैन 1100 रुपये के करीब। यहाँ पे ना जैसे यूरोप में पानी आते हैं दो तरह के, एक में होते गैस, एक में होते नहीं गैस, नो गैस। यहाँ पे आते हैं दो तरह के पानी, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पानी देखते हैं पहले, ठीक है, इस पे लिखा है लो सोडियम, मतलब इसमें सोडियम तो है पर कम है थोड़ा, ठीक है। एक आता है नो सोडियम, ये वाला होगा फिर मेरे को लग रहा है कल का, सोडियम फ्री, ये थोड़ा महंगा आता है। ये जैसे ये वाला है 0.080, मतलब 20 रुपये से भी कम हो गया, ये 20 रुपये मान लो चलो। और ये दूसरे वाला कहाँ है, ये नहीं नहीं ये तो छोटी है ना फिर बोतल। अच्छा वो बड़ी चाहिए ये, नहीं नहीं इससे इसको कंपेयर करता ना, ये रही 500 ml की, ये 0.075, मतलब 0.005 रियाल्स का फ़र्क है दोनों में बस इतना ही। और ये वाली कौन सी है, ईद की स्पेशल आ गई क्या, रमज़ान मुबारक, हाँ लेकिन बैलेंस पता नहीं क्या, मतलब वो ये ईद के लिए आई है ये रमज़ान मुबारक करके। तो भाई यहाँ पे जूस का प्राइस है 1 लीटर 0.525, मतलब 110-120 रुपये। और यहाँ पे कंपनी बहुत चलती है, तनिष्का बता रही है ओमान एयर में भी यही सर्व होती है, लैकनोर। यहाँ पे बासमती चावल भी मिलते हैं, इसका प्राइस है 5 किलो चावल का 3.5, मतलब 700 रुपये के 5 किलो। और ये मेरे को प्राइस काफ़ी सही लग रहा है, पर ये है इनकी अपनी कंपनी का, अगर आप मतलब वैसे ही लोगे इम्पोर्टेड बिल्कुल की, मतलब इंडिया से पैक होके आए, तो इसका प्राइस डबल हो गया, लगभग 7 का हो गया, 1400 के हो गए 5 किलो, 6 किलो बाय 1 get 1 फ्री चल रहा है। इतनी बड़ी है ना भाई ये, क्या ही बताएं, ये तो कोई भी पोर्शन नहीं है, मतलब आपने ये जो मैंने घुमाया कैमरा है 20% होगा, 5 गुना हो रहा है, ऊपर भी है। अच्छा देखो भाई यहाँ वॉशिंग मशीन बिक रही है सिर्फ 80 रियाल में। ये कहोगे आप कौन सी करेंसी है भाई 80 रियाल, 16,000 बन जाते हैं, 16,000 से भी थोड़े ज़्यादा ही। तो भाई आपने प्राइसेस देख लिए चीज़ों के, लगभग मैं बताऊँ तो यार कंट्री में घुसने के बाद ना 2-4 चीज़ों के प्राइस देख के ना समझ में आ जाता है क्या सिस्टम है। जब वो कोक की बोतल 40 रुपये की मिल रही है जो इंडिया में 40 की मिल रही है, मेरे को लग रहा है बासमती की रेट भी इंडिया में इतने ही हैं, और फिर मतलब हर चीज़ का प्राइस ऑलमोस्ट ये मान लो यार मेरे को तो सेम ही लगा बिल्कुल, 10-15% की बात भी नहीं है, मेरे को तो सेम ही लगा बिल्कुल। भाई इंडिया में ना एक चीज़ और बेटर है कि आप घर में आरओ लगा लो, अपनी डायरेक्ट टंकी से कनेक्ट कर दो, और ज़िंदगी भर आपको प्योरीफाइड वाटर मिलता रहेगा, बस उसकी कैंडल्स वगैरह चेंज करानी पड़ती हैं, वो टाइम टू टाइम कराते रहो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ओमान में क्या सिस्टम है, ओमान क्या छोड़ो पूरे गल्फ में क्या सिस्टम है, आरओ होता ही नहीं यार लोगों के घर, किसी के घर होता है यहाँ पे आरओ,
नहीं होता भाई, मना कर दिया साफ साफ। तो सीधी ये पानी की बोतलें खरीदते हैं भाई, सुपर मार्केट में सबसे ज़्यादा पानी की बोतलें बिकती होंगे मेरे को लग रहा है। और यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है पानी का, मतलब अपने घर में एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते का स्टॉक ले जा के रखते हैं पानी का। यहाँ पे पानी, यहाँ पे आर ओ का कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम आ गए भाई मतरीन सुख ना, मतरा सुख आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात मैंने देखो, गल्फ कंट्री में गया हूँ पर मेरे को नहीं पता, मैंने इतनी नोटिस करी या नहीं करी। तनिष्का ने मेरे को भी बताया कि यहाँ पे जिस दुकानों के नाम होंगे ना, कोई टेलर की दुकान है इंडिया में क्या नाम होगा, मतलब मान लो संतोष टेलर है, संतोष टेलर का नाम है तो अपनी दुकान का नाम लिखेगा संतोष टेलर। पर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कॉफ़ी शॉप है कुछ, उसका नाम है कॉफ़ी शॉप सीधा, टेलर है टेलर सीधा, लेडीज टेलरिंग जेंट्स टेलरिंग सीधा सीधा लिख देते हैं। मतलब अगर कोई मतलब ये मान लो फार्मेसी है, सीधा लिख देंगे फार्मेसी। बहुत कम मिलेगी आपको जो अपने नाम में जैसे लिखेंगे, जैसे इंडिया में होता है कि भाई अपना नाम आगे लगा देंगे या फिर कुछ तो रखना ही है नाम। पर यहाँ पे मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारी दुकानें देखने को मिली, मतलब हाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना रख रखा है, पर ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने कुछ भी नाम नहीं रख रखा, सीधा सीधा जो काम कर रहे हैं उस दुकान में उस चीज़ का नाम लिख दिया है। तो जैसे तीन टेलरिंग की दुकान है, उसने तो चलो फिर भी लिख दिया लेडीज टेलरिंग, इन्होंने लिख दिया टेलरिंग खत्म बात। दुकान का कोई मतलब ऊपर एड्रेस लिखा है, सीधा टेलरिंग। ये देखो भाई दुकान का नाम वैसे लिख सकता था ये साहिल वॉचेज एंड परफ्यूम्स, पर उसने ऊपर साहिल एंटरप्राइज लिख के नीचे लिख दिया सेल ऑफ वॉचेज एंड परफ्यूम, वहाँ पे टेक्सटाइल्स सीधा सीधा। जैसे वो तो चलो इंतका कॉफी शॉप लिखा है, डायरेक्ट कॉफी शॉप लिख देंगे कॉफी शॉप बस। एक दुकान है उसका नाम क्या है भाई, सीधा शूज भाई, कुछ मतलब ये नहीं सीधा शूज। मैं तनिष्का के साथ मजाक कर रहा था कि भाई मान लो कि मैं कॉफ़ी शॉप पे बैठ कॉफ़ी पी रहा हूँ, तनिष्का का फ़ोन आया, हाँ भाई कहाँ कॉफ़ी पी रहा है, मैं कॉफ़ी शॉप पे पी रहा हूँ, अरे कौन सी कॉफ़ी शॉप पे, कॉफ़ी शॉप पे पी रहा हूँ कहाँ आना है कॉफ़ी शॉप पे आ जाए, हाँ शूज़ पे खरीद रहा हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स नाम मतलब क्या है रेडीमेड गारमेंट्स। तो यहाँ पे पता नहीं भाई फिर एड्रेस कैसे बताते होंगे लोग। आप ये जैसे देख रहे हो कि ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये मतलब ग्लास का शैंडिलियर सा कह सकते हो, और इसमें अभी लाइट जल रही थी, लाइट के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। चलो तो ये देखो ये ऐसे लगते हैं भाई लाइट जलने के बाद ना। तो ये एक मैंने 7 का सेट खरीद लिया, ये डंडा नहीं खरीदा, लटकाने वाला खरीदा है। तो भाई ये झूमर सा है ना, ये जब हम दुकान में गए तो 55 रियाल का बोला, फिर मैंने कहा बेस्ट प्राइस का, मेरे को लगा अपने मुंह से 50 बोलेगा पर उसने 45 बोल दिया। अब यार जो भी वीडियो देखता है उसको पता है मैं इतनी बार्गेनिंग करता नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब दिमाग खपाऊं, पर फिर भी अब्दुल्ला भाई ने और बार्गेनिंग करी और 43 तक आ गया। तो मतलब ये मान लो आप 38-40 तक आपको दे देगा, और ये 7 वाला सेट था तो ये थोड़ा महंगा था, सबसे बड़ा ही था ये 7 वाला, हाँ, बाकी स्टैंड वाला, हाँ मतलब 5 का था वो थोड़ा सा अलग था, 7 वाला थोड़ा मतलब ये ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था, और स्टैंड का थोड़ा मतलब 4-5 रियाल एक्स्ट्रा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई एक मान लो कि ये जो ये लट्टू से लटके हुए हैं गिलास के हैं, वो अगर मान लो टूट गया तो कितने का मतलब मिलेगा मेरे को एक, तो कहते हैं ये तो 3-4 रियाल का आता है, मतलब 7 वो हो गए 25 रियाल के करीब। फिर इसका मतलब सारी बिजली का कनेक्शन भी मतलब इन्होंने ही दिया है, बस बल्ब नहीं दिया है आखिर में। बल्ब तो चलो सस्ते से आते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्ब का भी मतलब ऐसा है कि आप या तो येलो कलर का बल्ब लगाओ या वाइट कलर का, दोनों का अलग अलग बन जाएगा कॉम्बिनेशन सा भी, मतलब अगर जिस हिसाब से, पर येलो वाले में ना ज़्यादा रॉयल सी लुक आती है ना, वाइट वाले मतलब थोड़ा हाँ थोड़ा सस्ता लगता है, येलो वाले मतलब जब भी आप किसी महल में जाओगे या फिर कोर्ट में जाओगे ना, वहाँ पर येलो कलर के बल्ब यूज़ करे होते हैं थोड़ा रॉयल लुक देने के लिए, जैसे रॉयल गोल्ड को मानते हैं, गोल्ड भी थोड़ा मतलब गोल्डन टाइप हो जाता है। तो चलो अब चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, अभी हम स्वाती जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी करेंगे स्वाती, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पैरा मोटरिंग, हाँ। तो पैरा मोटरिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे हम। भाई यहाँ पे हम आए हैं पैरा मोटरिंग करने, अब ये कुछ अलग सा ही सिस्टम था, मतलब मैंने आज तक कहीं देखा नहीं था ऐसा, तो मैंने कहा हाँ ये करते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो है 20 ओमानी रियाल, जो कि बनता है कुछ 4100-4200 रुपए के करीब आज के रेट में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, देखो इतना छोटा सा होता है ये देखो गाड़ी के पीछे बंद क्या है, ये एक और है इसमें, और इसके ऊपर पैराशूट लगा देंगे। और भाई मैंने इसकी वीडियो देखी थी, ये खड़े मतलब यहाँ खड़ा है ना, खड़े खड़े ही उड़ जाएगा,
पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, तो देखेंगे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई देख लो कितना बड़ा है, उस बंदे जितना है 6 फुट का। आगे बैठेगा भाई जो कस्टमर होगा और पीछे बैठेगा पायलट। काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है भाई ये, अभी चला रहे थे, पीछे बांध दिया पैराशूट। और डॉक्टर साहब कैसा लगा? मस्त। अरे ओमानी बंदे इतने मस्त है, इतना ट्रस्ट करके समुंदर के ऊपर मेरे को फोन दे दिया अपना। हाय सही में, कहता वीडियो बना ले, मैं तो नहीं लूंगी। मेरे को तो बड़ा मजा आ गया। चलो अच्छा बनाओ अभी अपने ब्लॉग का। तो भाई उतर गए भाई, बड़ा मजेदार था। पहले तो मैं डर रहा था कि भाई फोन लेके जाऊं ना जाऊं, तो मैं फिर लेके नहीं गया क्योंकि मैंने कहा समुंदर के ऊपर से कह रहा है वो उड़ाएगा, अगर इस जमीन पे भी उड़ा रहा हो तो इतनी हाइट से भी आईफोन गिराएंगे तो ये मिट्टी है, इस पे कुछ होएगा नहीं, मतलब किसी भी फ़ोन को नहीं होएगा। आईफोन तो मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि है मेरे पास। तो पर बीच रास्ते में ना खुद के फ़ोन से वो भाई बना रहा था पहले, फिर मैंने उसको कहा टेढ़ी करके बना दे, पता नहीं उसको समझ में नहीं आया या फिर क्या हुआ, कहता तेरा फ़ोन कहाँ पे है? मैंने कहा मैं नहीं लेके आया। कहता ले मेरा फ़ोन ले, उसके में जूम ज़्यादा वाला नहीं था, आईफोन ही था उनका भी पर जूम ज़्यादा वाला नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन दे दिया भाई। फिर तो फ़ोन से मैंने धड़ 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 वीडियो बनाई, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना एक बार के बाद पता चल गया मेरे को कि बड़ा इजी है, पर यार ये ही है, आप हड़बड़ी में फ़ोन गिरा दो समुंदर में तो फिर लॉस हो सकता है आपका, अगर नहीं बनानी वीडियो तो फिर आप बिना फ़ोन के भी काम चला सकते हो। चलो अब है तनिष्का की बारी। और यार अप्रोप्रिएट अमाउंट के लिए था बिल्कुल, कि मतलब 20 रियाल में 20 एक मिनट, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बोरिंग भी हो जाएगा, पर काफ़ी मज़ा आया मेरे को। तो अगर आपको भी करना है ना तो सवाड़ी बीच मुसना करके एक एरिया है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको इनका इंस्टाग्राम दे दूंगा, खैर कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब पैसे दिए हम लोगों ने, पर फिर भी मतलब ये ऐसी चीज़ है यार, बड़ी मुश्किल से मिलेगी अगर आप सर्च भी करोगे तो इनका दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई 4100-4200 रुपये काफ़ी ज़्यादा वर्थ लगे मेरे को तो यार, पैराग्लाइडिंग भी लगभग इतने से की होती है, और ओमान में आके आपको लगे चीज़ें एक्सपेंसिव हैं पर नहीं है। अगर यही सेम चीज़ दुबई में होती तो एटलीस्ट ये मान लो 10,000 की तो होती है आराम से। तो कई कंट्रीज़ होती हैं भाई जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और खाली है देखो, कुछ ऐसा नहीं है भीड़ लगी पड़ी। अगर दुबई में सेम चीज़ होती तो भाई 50-60 लोग होते लाइन में, और ये कुछ अपने प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी बारी आ रही है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते भाई। इतने बढ़िया ओमानी लोग कि आपको, मेरे को फ़ोन ही दे दिया यार अपना, मैं तो हैरान हो गया यार कि बंदे को इतना ट्रस्ट है, मैं फ़ोन गिरा दूँ क्या पता समुंदर में, फिर तो मिलने का भी नहीं, पर उस बंदे ने फ़ोन ही दे दिया मेरे को कि भाई तू ही कर ले रिकॉर्डिंग। फिर मैं उसको वापस दे रहा, एक रिकॉर्डिंग करके मैं उसको वापस देने लगा, कहता नहीं भाई तू ही रख ले, फ्लाइट के एंड में दे दियो मेरे को, मेरा कोई काम नहीं है फ़ोन का, ऐसे कहता। पर हाँ इनके फ़ोन में, इनका फ़ोन अरेबिक लैंग्वेज में था तो फिर क्या हुआ उल्टा चलता है, तो फिर मतलब फ़ोटो वाला जिस तरफ स्लाइड करके होता है ना वो थोड़ा उल्टा था, तो एक दो बार गलत कर गया था मैंने। अब तनिष्का गई है, 20 एक मिनट में आएगी, और पूरे टाइम आपको दिखता रहता है, यहाँ से मेरे को ग्लाइडर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, पर पूरे टाइम दिखता सा रहता है, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को तो, काफ़ी वर्थ था भाई यहाँ तक आना, मौसम भी अच्छा हो रखा है। ये वाला जो है ना देखो, ये पंखा है, इसमें एक ही सीट है और इसमें टायर भी नहीं है, इसमें क्या है भाई बंदा भागते भागते उड़ना है और अपने पैरों पर ही लैंड करना है। तो ही सेड दिस इज़ फॉर द फीट लैंडिंग राइट, ओके। तो देखो मैं बताऊं तो खर्चा तो इनका ना के बराबर ही मान लो आप, क्योंकि ये जो टंकी है जो इसने अपने इस पे पंखे पे लगा रखी है वो है 12 लीटर की, और 12 लीटर की इस टंकी में आपको मिलेगा 4 घंटे का फ्लाइंग टाइम इसने बताया, पर इसमें पेट्रोल के साथ साथ कुछ और तेल भी ये ऐड करते हैं तो उससे मिलता है। चलो वो तेल भी कितने का ही होगा, ऐसा कौन सा सोने जितना महंगा है,
पर 12 लीटर में 4 घंटे, मतलब हमारे 40 मिनट की फ्लाइंग टाइम में मान लो 3 लीटर मान के चल लो, 3 लीटर में इन्होंने कर दिया काम। और यहाँ पे 3 लीटर में बताऊँ तो 200 रुपये का है बस। तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कमाएंगे अपना। इसका मशीन का भी तो खर्चा है ही, उसका भी निकाल लेंगे। एक बंदा और ले आया, अपना खुद के भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, ग्राहक मिल जाते तो ग्राहकों को भी कर लेते हैं। और 3-4 बीचीज पे होने लग गया अभी ओमान में, और कोरोना के बाद होने लगा, अब्दुल्ला बता रहा है कोरोना के बाद ये सब होने लगे हैं, पहले नहीं होती थी ये सारी चीजें। तो भाई 800 फीट तक हम गए थे, क्योंकि 1000 फीट तक की इनको परमिशन है, ये अभी तनिष्का ने पूछ के बताया, क्योंकि वही फ्लाइट वाला दिमाग दोबारा चल गया, हाइट नापने वाला। भाई ये बंदा कह रहा है अगर बांधेगा पैराशूट शायद, या नहीं बांधेंगे, बांधेंगे शायद, मेरे को लगा ऐसे उड़ जाएगा। नहीं नहीं देखो भाई, इस रेस्टोरेंट में आए हैं और ये किले जैसा लग रहा है, और ये रेस्टोरेंट है पूरा बड़ा, रोजना नाम है, यहाँ ओमानी खाना मिलता है, अगर आपको मतलब नॉनवेज खा लेते हो तो ट्राई कर सकते हैं आके। तो ये है भाई एक ओमानी रेस्टोरेंट, इस पर ओमानी खाना मिलता है सिर्फ। वैसे तो बूफे चल रहा था पर अभी टाइम ख़त्म हो गया बूफे का, तो हमने अलकारते से ये मंगाया है। तो सबसे फेमस खाना है ये पूरे ओमान में। व्हाट इज़ द नेम? ओमानी, ओमानी शुआ। शुआ तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अंडरग्राउंड रख के उबालते हैं उसको, क्या कहते हैं लैम्प को। हाँ ये यहाँ रख दो, और इसके अंदर पैक हो क्या है, इसके अंदर लैम्प है, ये चावल आते हैं साथ में। We wrap it with the banana leaves. Okay. So it will take the steam. Yeah. Yeah. It will take the steam inside, and it will be like this. Very soft. Or the very soft, huh? Yeah. तो इसको इसमें मिला के फिर खाना है। और ये चटनी वटनी सब दे के गए हैं ये। और ये मेरे देखो। This is spicy, right? Yeah, this is spicy. हम्म। और ये वेजिटेबल करी मंगाई है। सांबर जैसी। और चावल देखो कितने सारे हैं भाई। दो बंदे खा सकते हैं, और ये वाला तो सिर्फ 3 रियाल का था, 600 रुपए का। ये महंगा है, ये 7 रियाल का है।